नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों, यहां पर सीपीवीसी पाइप लीकेज हो गया है जो 12 महीने पहले फिटिंग किया हुआ था। यहां से हमने डायवर्टर से तोड़ना स्टार्ट किया है। यहां पे टाइलें नहीं लगी हुई थी, टाइल अभी प्लस्तर किया हुआ था, तो हमने यहाँ से इसका लीकेज दिखा रहा था डायवर्टर के आसपास में। हमने इसको आसपास में तोड़ना स्टार्ट किया तो ये झीरी को तोड़ते तोड़ते हम जो आगे तक गए इस पाइप को खाली करते हुए, तो यहाँ तक हमने ये तोड़ा तो इसके पीछे से एक लीकेज हमें मिला है। दोस्तों, यहाँ पर ना कोई जोड़ है ना कोई सॉल्वेंट का चक्कर है, अभी सॉल्वेंट नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये लीकेज सुई की नोक जितना आप लीकेज देख रहे हो। तो अभी इसमें टाइलें नहीं लगी थी इसलिए इसको पता लगाना आसान रहा। दोस्तों, ये गीजर गर्म पानी का पॉइंट है जो दूसरे बाथरूम में, दोनों बाथरूम का अटैच है, लेकिन ये बाथरूम अभी यूज नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे बाथरूम में ये गर्म पानी के पाइप की लाइन है गीजर की, दोनों का ज्वाइंट एक ही है। लेकिन मैं आपको बाहर लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये लीकेज कैसे हो जाए। आप देख रहे हो ये सुराख सा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा सुराख है। ये सुई की नोक की पिचकारी से अभी ये 12 महीने तक यूज़ होने के बाद में ये लीकेज हुआ है। ये इसमें 12 महीने से पानी चल रहा है, तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा सुई नोक है। तो अभी आपको ये आपको सतर्क रहना है, कोई कंपनी हो लीकेज हो सकता है। दोस्तों, आप हाथों हाथ इसको चेक करना ज़रूरी है, लेकिन ये 12 महीने बाद हमने इस कंपनी को भी शिकायत कर दिया है। तो अभी कंपनी का ग्राहक आएगा और इस कंप्लेंट को हमारे को लिख के नोट करेगा। दोस्तों, तो अभी ये लीकेज हम इसको चेक करके यहाँ पे सॉकेट लगा के इसको दोबारा इस फिटिंग करें। धन्यवाद।